श्री चतुर्भुज दास जी महाराज एक जगह सत्संग कर रहे थे, भक्तमाल जी में कथा आती है, तो वो यही चर्चा कर रहे थे कि जब कोई जीव गुरुदेव की शरण में जाता है और दीक्षा लेता है तो उसके जितने किए हुए पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, उसका नया जन्म होता है। तो एक चोर चोरी करके भागा था किसी धनी मानी जमींदार के यहां से, और राज कर्मचारी उसका पीछा किए थे। वो बचने के लिए जब देखा कि बहुत से भक्त वैष्णव हैं तो बीच में आके बैठ गया। राज कर्मचारियों को लगा इधर आया, लेकिन सोचा भक्तों की मंडली में चोर काहे को बैठेगा, तो एक ऐसी ऊपरी दृष्टि दी और बस निकल गए। और यही चर्चा चल रही थी, उसके कान में पहुंची ये चर्चा कि जो दीक्षा ले लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और नया जन्म होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद उनसे मिला और कहा, भगवान मैं चोर हूं, चोरी करता हूं, चोरी में हिंसा भी करनी पड़ती है, पापाचरण भी होते हैं, पर आपने कहा दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा नया जन्म कर दो। देखो सत्संग का प्रभाव, उसके हृदय में प्रभु की शरणागति होने की। चतुर्भुज दास जी ने कहा, अवश्य, दूसरों के लिए तो हम टाइम देते हैं, तुम्हारे लिए अभी इसी क्षण, क्योंकि सत्संग से बदला है, अभी अभी थोड़ी देर में को फिर दिमाग बदल जाए तो इसलिए। और कहा, देखो नया जन्म हो गया, अब कभी तुम झूठ मत बोलना, सत्य में रहना, भगवत मार्ग के पति को खूब नाम जप करना, तिलक लगाना, कंठी धारण करना। उसका मुंडन करवा दिया, तिलक लगाया, गुरु मंत्र दे दिया। अब तो मतलब नया जन्म भावना में दृढ़ हो गया, छाती चौड़ी करके घूम रहा था। तो उस जमींदार ने देखा, अरे बोले वो ये वही चोर, देखो मुड़ मुड़ा के तिलक लगा के भेष बदल के आ गया। राज कर्मचारियों ने पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया गया, तुमने चोरी की महाराज, इस जन्म में नहीं की। अरे बोले पक्का झूठ बोल रहा है, ये चोरी की, हम कसम खा के कहते इसने चोरी की। बोले हम भी कसम खा के कहते हम वैष्णव हैं, इस जन्म में चोरी नहीं की। अब राजा कैसे निर्णय करे, एक वैष्णव कसम खा रहा है और एक नगर का धनी मानी कसम खा रहा है, दोनों में कोई तो झूठा है। उस समय परीक्षा के लिए एक रिवाज थी, गरम लोहे का फार एकदम लाल लाल, हाथ में घी लगा के और कोमल कोमल एक पत्ता पीपल का ऐसे रख के कच्चे धागे से लपेट दिया जाता था और लोहे का फार रखा जाता था। यदि आप सत्य हो तो ना तो धागा झुलसेगा और ना पत्ता झुलसेगा, और अगर आप झूठ बोल ले तो आप जल जाओगे, ऐसा परीक्षण होता था। रख दिया गया ऐसे, और उसने जो ही फार रखने को हुआ तो कहा, गुरुदेव ने कहा कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, मेरा नया जन्म है। और ऊपर जोर से बोला, इस जन्म में मैंने कोई चोरी और पाप नहीं किया। 7 कदम लेके चला, कहीं झुलसा भी नहीं, फेंक दिया ऐसे। अब तो राजा ने कहा, इस सेठ को फांसी दे दो, क्योंकि एक वैष्णव पर दोष लगाया। अब सेठ, अब बोलने का कोई सवाल ही नहीं। तब उसने फिर कहा, महाराज इनको भी क्षमा कर दो, क्योंकि ये भी सत्य बोल रहे हैं, तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है, 2 सत्य हो ही नहीं सकते। आपने कहा इस जन्म में चोरी नहीं की, इसने कहा अभी की है, तो एक एक ही बात की 2 बातें कैसे हो सकती। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज दोनों सत्य हैं। कैसे? तो उनका गुरुजी हमारे कथा सुना रहे थे कि दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज मेरी आज ही दीक्षा हुई है, जो मैंने चोरी की थी वो पूर्व जन्म में की, मतलब पीछे की थी वैष्णव बनने के पहले। अब तो वैष्णव बनने के पहले चोरी की, तो इन्होंने सत्य कहा और हमारे गुरुजी ने हमको बताया, इसलिए हम सत्य, उस सत्य के प्रभाव से हम जले। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और कहा, हमें अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ, वो चतुर्भुज दास जी के दर्शन करने के लिए आए। तो हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि श्यामा श्याम का मुझे गुरुजी ने बना दिया है, मेरा नया जन्म है, पूर्व का कोई चिंता